तो ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, सिंपल है, एक ये ट्यूब लें जो यू शेप में है, इसके अंदर ये लिक्विड रखें, एच एच हाइट का लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसका इक्विलिब्रियम खराब करेंगे कैसे, फोर्स अप्लाई करें, दबाएं इसे एक तरफ से, आपने कितना दबा दिया बाय डिस्टेंस ऑफ वाई, तो वाई डिस्टेंस इस लिक्विड में नीचे गया तो वाई डिस्टेंस यहां से ऊपर भी हो गया, ठीक हो गया, तो डायग्राम यहां पर हो गया, तो आप अपनी फोर्स को छोड़ दें, अब ये लिक्विड टू एंड फ्रो मूव करेगा, प्रूव करें कि ये SHM में है, और एक चक्कर ये रहा, दूसरा चक्कर ये है, हर चक्कर का टाइम पीरियड क्या होगा ये भी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या ढूंढनी पड़ती है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, आप एक चीज ध्यान से देखें, इसके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि आप एक लाइन यहां पे खींचें और इस लिक्विड को हटा दें, तो क्या ये लिक्विड मूव करेगा, नहीं करेगा, बचाओ लिक्विड मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब लिक्विड मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इस लिक्विड का वेट दबा रहा है पूरे लिक्विड को, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुई, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें हुई, ये लिक्विड का वेट देख रहे हो जिसकी हाइट क्या है, वाई प्लस वाई टू वाई, तो इस लिक्विड का वेट जो नीचे लग रहा है यही लिक्विड को क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है, कैसे पता लगा, आप इस लिक्विड को हटा दो, हटा दोगे तो कोई लिक्विड मूव करेगा ही नहीं, ये पॉइंट क्लियर है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या बनी, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हुई, माइनस साइन लगेगा रिस्टोरिंग के लिए, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट टू वाई, तो समझ में आया वाई और वाई क्या हो गया, टू वाई, कोई डाउट इसमें, अब इमेजिन करो कि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका वो कितना है, ए, तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या आएगा, वाई और वाई टू वाई, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, एरिया इंटू टू वाई, वेट क्या आएगा, वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वीरो जी, तो इसका वॉल्यूम है ए इंटू टू वाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये क्या आएगा इसका, वेट आएगा, क्या है पॉइंट क्लियर है, इसका वेट क्या आएगा, तो इसका वेट आएगा ए इंटू टू वाई इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये देखो, तो क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, ये देखो, ये देखो, तो ये लिख दी रिस्टोरिंग फोर्स, चेक करो, समझ में आ रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ए इंटू टू वाई इंटू डेंसिटी इंटू जी, अब रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, मास इंटू, एक्चुअली रिस्टोरिंग के लिए साइन नेगेटिव है, अब कितना लिक्विड का मास मूव करेगा ट्यूब में, आपको कि पूरे का पूरा लिक्विड ही मूव करेगा, पूरा लिक्विड मूव करेगा, अब पूरे लिक्विड का मास क्या होगा, इस लिक्विड का मास और इस लिक्विड का मास, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इस लिक्विड का मास एंड इस लिक्विड का मास, अब ये निकाल दो, इस लिक्विड का मास और इस लिक्विड का मास, बात तो एक ही है, लिक्विड उड़ थोड़ा ना गया, तो हम मास यहां से निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा, वो इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये भी हाइट गिवन एच है और ये भी कितनी ऑलमोस्ट एच है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस तरफ से, एरिया इंटू एच, तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास हो गया, अब इतना ही मास यहां पर है, इतना ही मास यहां पर, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो मास में एरिया इंटू टू एच, एरिया इंटू एच लेफ्ट, एरिया इंटू एच राइट, तो टोटल वॉल्यूम टू इंटू एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी मास हो गया, तो डेंसिटी डेंसिटी एरिया एरिया कैंसल, तो ये टर्म आ गई, तो हमने लिक्विड को कितना पुश किया था बाय वाई, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन SHM, दोनों कांस्टेंट्स हैं, अपनी SHM की इक्वेशन लिखें, कंपेयर करके ओमेगा निकाल लें, ओमेगा क्या है, टू पाई बाई टी, तो कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल लें, टाइम पीरियड इज टू पाई रूट एच बाई जी, एच का मतलब जो इनिशियल हाइट है उसी के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंडेंट है।